रुक करते हैं विस्तार से गतिविधियों की ओर। कोरोना वायरस को लेकर हमीरपुर स्वास्थ्य विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है और स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी एडवाइजरी के चलते कोरोना वायरस के 13 मरीजों में वायरस के लक्षण सामने आने पर पूरी तरह से एहतियात बरती जा रही है। हमीरपुर में चिन्हित 13 मरीजों का पूरी तरह ख्याल रखा जा रहा है और मरीजों के घर में सुबह से शाम तक निगरानी में दिनचर्या को निपटाया जा रहा है ताकि वायरस को लेकर कोई कोताही नहीं बरती जा सके। कोरोना वायरस को लेकर हमीरपुर स्वास्थ्य विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है और स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी एडवाइजर के चलते कोरोना वायरस के 13 मरीजों में वायरस के लक्षण सामने आने पर पूरी तरह से एहतियात बरती जा रही है। हमीरपुर में चिन्हित 13 मरीजों का पूरा ख्याल रखा जा रहा है और मरीजों के घर में सुबह से शाम तक निगरानी में दिनचर्या को निपटाया जा रहा है ताकि वायरस को लेकर कोई कोताही नहीं बरती जा सके। कार्यकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय जगोता के अनुसार कोरोना वायरस के बचाव के लिए मेडिकल कॉलेज परिसर में भी आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है और विदेशों से आ रहे लोगों को विभाग द्वारा निगरानी की जा रही है। कार्यकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय जगोता ने बताया कि कोरोना वायरस के प्रति बचाव के लिए पूरे जिला के अधिकारी और कर्मचारियों के साथ बैठक की गई है और स्पेशल आइसोलेशन वार्ड तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस को लेकर ग्रामीण स्तर पर हेल्थ वर्करों को भी प्रशिक्षण दिया गया है कि कोरोना वायरस के लक्षण पाने पर तुरंत इलाज शुरू किया जाए। उन्होंने बताया कि कोरोना प्रभावित देश चीन से आए हुए 13 लोगों को विभाग की निगरानी में दिन रात रखा गया है जिनका सुबह शाम हेल्थ वर्कर जाकर चेकअप कर रहे हैं। कोरोना वायरस के बचाव के लिए पहले तो हम पिछले कल ब्लॉक स्तर पे जितने भी हमारे मेल हेल्थ वर्कर, मेल हेल्थ सुपरवाइजर, मेडिकल ऑफिसर, उनके साथ कल हम मीटिंग कर चुके हैं और इस रोग के बचाव के लिए क्या क्या सावधानियां हमने बरतनी है वह हमने जो हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं उनसे साझा की हैं और वो आम जनता से वो संवाद करेंगे। दूसरे मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में स्पेशल आइसोलेशन वार्ड तैयार है जिसमें लाइफ सेविंग जो भी हमारे इक्विपमेंट्स हैं वो उन्होंने तैयार रखे हैं। अगर कोई केस आता है तो मेडिकल कॉलेज के लिए पूरी तरह तैयार है। सर, कुछ हमें स्टेट से, हिमाचल प्रदेश सरकार से हमें प्राप्त हुई है और जो भी सूची के मुताबिक जो लोग हैं उनके ऊपर हम कड़ी निगरानी रख रहे हैं और उनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनको भी रोज़ाना तौर पे हमारे हेल्थ केयर वर्कर विज़िट कर रहे हैं और अभी तक उनमें किसी में भी कोई लक्षण ऐसा नहीं पाया गया है। गौरतलब है कि कोरोना वायरस से प्रभावित लोगों में हमीरपुर के आसपास के गांवों के युवकों को जकड़ा है जो कि चीन में अपने व्यवसायिक कोर्स और शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए हुए थे। हालांकि विभाग ने जिला भर में कोरोना वायरस के बचाव के लिए अभियान छेड़ दिया है और अस्पतालों में भी निर्देश दिए हैं कि इस तरह के मरीजों पर निगरानी रखी जाए। स्वास्थ्य विभाग की माने तो कुछ दिन पहले हमीरपुर में कोरोना वायरस से संदिग्ध एक युवक चीन से जाते हुए कनाडा गया हुआ था जिसकी हालत भी खराब थी, लेकिन विभाग की चौकसी बरतने के चलते अब ये युवक बीमारी से बाहर है और विभाग ने करीब 28 दिनों तक इलाज किया है।